दूसरा तुम स्थित तीन अध्याय के 1-5 वचन तक हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डिंगमर, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवृत, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। पौलुस ने साफ बताया अपनी पुस्तक में कि अंतिम दिनों में ऐसे ऐसे लोग होंगे। अंतिम दिनों में लोगों का रवैया ऐसा ही है। आज लोगों को सच सुनने की हिम्मत ही नहीं है। जब किसी को खुलकर और गहराई से बताया जाता है तो वो उल्टा खुद ही को बताने लगते हैं। एक सिस्टर थी, उन्होंने मेरे पास एक बहन का मैसेज भेजा था। वो बहन उस औरत के पास सिंगार का वीडियो भेजा था कि मसीही औरतें सिंगार कर सकती हैं या नहीं। तो वो औरत उस बहन को बोली तो वो उल्टा उसी को ही सुनाने लगी। और क्या बोली उसको एक मसीही औरत, तो उसको बोली यार प्लीज मुझे ये सब मत सुनाओ, ये सब जानती हूँ मैं, मुझे कैसे मसीह में चलना है। और आगे औरत उस बहन को बोली हाँ तो मुझे मत सुनाया करो ना, किसी और को सुनाया करो। अब वो औरत उस बहन को बोली, एक मसीही औरत बोली उसको बोली तू मेरे लिए ही बोली जा रही है, मेरी लाइफ है, मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकती हूँ। अब वो औरत उस बहन से बोली मेरी मर्जी, मैं नंगी नाचूं तुमको क्या, तुमसे क्या मतलब है। तो चलो ये तो बात की बात है। इसलिए पौलुस ने कहा था अंतिम दिनों में लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। और आज वैसा ही हो रहा है। परमेश्वर तुम्हारा नाच को देखने के लिए स्वर्ग में नहीं बैठा है। नाच कूद कर आप स्वर्ग नहीं चले जाएंगे। और उस औरत ने बोला था मैं उघाड़े नाचू या नंगी नाचू तुमसे क्या मतलब है। तो सुनो, जब परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा श्वेत सिंहासन के सामने, तब उसको परमेश्वर आग में नंगा ही डालेगा। तब न वह आग बुझेगी और न वह कीड़े मरेंगे। अभी जिस शरीर पर बॉडी पर घमंड है, एक दिन परमेश्वर उसको आग में जिंदा जलाएगा, उसको आग में नंगा ही डालेगा। बहुत तड़पाएगा परमेश्वर, तब आपके दिमाग की सारी गर्मी निकल जाएगी उस अनंत काल की आग में। ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है स्वर्ग में। जैसा लिखा है गलातियों 5:19-21 वचन तक हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात वे विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूंजा, टोना और झगड़ा और इशरा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे जैसे और काम है, अन्य काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले ही से कह देता हूँ, जैसा कि पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। समझा कि नहीं समझा? ऐसे ऐसे घिनौने काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ना होंगे। सिर्फ वही जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, वही स्वर्ग में उठाए जाएंगे। क्योंकि अब दोबारा कचरा बटोर कर परमेश्वर स्वर्ग में नहीं ले जाएगा। यह ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल देना कि मैं पाप भी करूंगा और मैं स्वर्ग भी चला जाऊंगा पाप करके। नो, आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे, क्योंकि जहां पर यीशु रहता है वह जगह पवित्र है और वहां सिर्फ पवित्र लोग ही जा पाएंगे। तुमने जो पाप किया है यीशु ने देखा है, अपने पापों को यीशु के सामने मानो और पश्चाताप करो, क्योंकि समय थोड़ा बचा हुआ है। वरना अगर आप यहाँ रह गए तो आपको रोना भी नहीं आएगा। उसके लिए मैं पढ़ देता हूँ बाइबल से प्रूफ आपके लिए, जैसा प्रकाशित वाक्य 16:8 में लिखा हुआ है। परमेश्वर के प्रकोप के यानी परमेश्वर के क्रोध के 7 कटोरे इस पृथ्वी पर उंडेले जाएंगे 7 वर्ष में, और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया।
और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की जिसे इन सब विपत्तियों पर अधिकार है उसकी निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। जब चौथा कटोरा सूर्य पर उंडेला जाएगा तो मनुष्य जो यहाँ पर रह जाएंगे उनकी चमड़िया सूर्य की किरणों से जिंदा ही झुलस जाएंगी, उनकी चमड़िया जिंदा ही सिकुड़ जाएंगी। उस समय सूरज को परमेश्वर एक आग का गोला बना देगा, बना के रख देगा। उस समय मनुष्यों की चमड़ियाँ जिंदा जलेंगी जिंदा, और मौत मांगोगे और मौत भी नहीं आएगी। बहुत तड़पाया जाएगा, इतनी दर्दनाक सजा देगा परमेश्वर वो भी अनंत काल की। यहाँ भी चैन नहीं और मरने के बाद भी परमेश्वर उसको आग में नंगा ही डालेगा, जहाँ की आग कभी नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते हैं। तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का मेरे भाइयों और बहनों, जो व्यक्ति नर्क में जाएगा। अभी समय है, लौटो परमेश्वर के पास, परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों के पास शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की, गुड लक।